Hello students, good morning to all of you. Today we are going to discuss the part 3 of the solution chapter of your chemistry. और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सॉल्युबिलिटी होता क्या है? सॉल्युबिलिटी आपका जो सल्यूट होता है वो कितना अमाउंट में डिजोल्व हो रहा है इन द गिवन सॉल्वेंट, दैट इज योर सॉल्युबिलिटी. ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट इज नोन एज योर सॉल्युबिलिटी. तो आपको इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या पढ़ना है वो हम बता रहे हैं. सॉल्युबिलिटी तीन तरीके से हो सकते हैं. आप बस यहाँ पे देखोगे लिक्विड का, आपका सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, लिक्विड. लिक्विड के कॉन्टेक्स्ट में ही आप पढ़ोगे. एक तो ये हो सकता है कि सॉलिड, आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्यूट आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है. दूसरा क्या हो सकता है, गैस. ठीक है, गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये हो सकता है. और तीसरा क्या हो सकता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड. ठीक है, तो ये तीन आपके क्या है, पॉसिबिलिटी है कि आपकी सॉल्युबिलिटी आप इन तीनों के कॉन्टेक्स में निकालोगे. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. ठीक है, तो पहला हम जो यहाँ पे ले रहे हैं वो क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो आपका सॉल्यूट पार्टिकल है वो क्या है, सॉलिड नेचर का है, और जो आपका सॉल्वेंट है वो यहाँ पे क्या है, लिक्विड है. ठीक है, आपने ठीक है. अब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप डिजोल्व कर सकते हो, कितने, 100 ग्राम ऑफ वाटर. अगर आपने ये बीकर लिया, ठीक है, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं सॉल्ट का या फिर शुगर का ले लेते हैं. शुगर और पानी का सॉल्यूशन हम बना रहे हैं. ठीक है, हमने 100 ग्राम यहाँ पे क्या लिया, पानी लिया है, और हम क्या करें, एक के स्पून यहाँ पे शुगर डालते जा रहे हैं. ठीक है, और टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा, यानी फिक्स रखा, पर्टिकुलर टेम्परेचर. टेम्परेचर वेरी करोगे तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है. ठीक है, तो आप क्या करें, धीरे धीरे आप स्पून से ऐड कर रहे हो. ठीक है, आपने एक ऐड किया, वो अच्छे से घुल गया, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, लगभग आपने क्या है 20 से 30 ग्राम आपने ऐड किया. ठीक है, पर एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे अगर थोड़ा सा भी अगर आप यहाँ पे शुगर डालोगे पानी में तो वो घुलेगा नहीं. ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप और ज्यादा सॉल्यूट जब डालते हो तो आपका सॉल्यूशन नहीं प्रिपेयर होता, उसी को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. कहने का मतलब वहां पे जो सॉल्यूशन है वो आपका सैचुरेट हो चुका है. ठीक है, अब इससे ज्यादा और उसे नहीं चाहिए, यानी गिवन लिक्विड में और ज्यादा अब आप सॉल्यूट नहीं डाल सकते. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी आपको समझ में आ गया. अब सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स. ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पे ये डिपेंड करता है. तो फर्स्ट फैक्टर जो आपको ध्यान देना है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, पहला क्या है यहाँ पे, ये लिख लेते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये क्राइटेरिया है, जैसे आपने देखा होगा मैग्नेट पे कि हमारे जैसा जो रहता है, हमारी चीजों को मानने वाला वैसा रहता है, तो हमारे उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनती है. इन द सिमिलर वे जो आपका सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट का नेचर अगर सेम होता है, ठीक है, तो यानी कि अगर लाइक होंगे, एक जैसे होंगे, तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वो अच्छी होती है. ठीक है, तो कह सकते हो कि जो पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट, ये दूसरे में एक दूसरे में क्या होता है, बहुत ही अच्छे से डिजोल्व होते हैं. ठीक है, अब अच्छा सा सॉल्यूशन बनाते हैं. ठीक है, तो क्या कह सकते हो, लाइक डिजोल्व लाइक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लाइक एक जैसे लोग होते हैं वो यहाँ पे आपस में अच्छा सा सॉल्यूशन बनाए, तो लाइक डिजोल्व लाइक. और इसमें आप एग्जाम्पल क्या दे रहे हो, पोलर सॉल्यूट प्लस पोलर सॉल्वेंट. इसमें एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, एक तो सॉल्यूट अगर आपने लिया जैसे NaCl है, और पोलर सॉल्वेंट आपका क्या होगा, H2O. ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बहुत ही क्या है, अच्छा बनेगा. ठीक है, और आपका सॉल्यूशन क्या होगा, स्टेबल भी होगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो पोलर का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होता है प्लस माइनस चार्ज, यानी पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है, उसी को हम कहते हैं पोलर. ठीक है, समझ में आया. ऐसे ही नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में बहुत अच्छा बनाएंगे. अगर हमने यहाँ कहा कि नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर अगर सॉल्यूट है आपका, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्यूट है, वो आपस में डिजोल्व होंगे, तो इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं नेफ्थलीन.
नेफ्थलीन पता है क्या होता है? वो आपके बॉल्स जो होते हैं ना, जो कपड़ों के बीच में रहते हैं, वो पानी में नहीं डिजोल्व होगा, पर जब आप उसे बेंजीन में डिजोल्व करोगे तो क्या होगा, वो बहुत ही अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों क्या है, नॉन पोलर है, यानी लाइक सेम जैसे चीज जो होते हैं वो आपस में बहुत ही अच्छे से डिजोल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर है जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी हमने समझा कि फैक्टर वन कैसे गवर्न हो रहा है। ठीक है, हमने देख लिया कि कैसे लाइक लाइक में डिजोल्व होता है, अनलाइक अनलाइक में डिजोल्व हो सकता है, या फिर कैसे लाइक और अनलाइक आपस में डिजोल्व नहीं हो सकते, उनके एग्जांपल्स भी हमने देख लिया। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जैसे जैसे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन जो सॉल्युबिलिटी से, वो एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आपने कॉन्सेंट्रेशन जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको दिखाया था सैचुरेटेड का, आप जब तक डालते रहोगे पर एक ऐसा लेवल आएगा जहां पे आपका सॉल्यूट और ऐड करोगे तो वो सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होगा, वो इन्वर्सली डिपेंड करेगा। ठीक है, और बात करें टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाते हो वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, पर उसमें भी हम कंडीशन देखेंगे तो उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि दो तरह के आपके क्या होते हैं, रिएक्शन होते हैं। एक तो होता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन का, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, हीट खुद देना पड़ता है। ठीक है, हीट दोगे तभी वो रिएक्शन क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। तो उस केस में आपको याद रखना है कि जो आपका सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, समझ में क्या आया आपको? देखो यहाँ पे आपका क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है, और ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, आपने इसमें हीट दिया, हीट दोगे तभी तो रिएक्शन प्रोसीड होगा, तभी जाके आपका क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब जैसे आप हीट बढ़ाते हो, हीट यहाँ पे बढ़ाओगे तो ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन मूव करेगा। यहाँ पे डेल्टा एच जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये तो आपने सीखा है। ठीक है, एंथैल्पी बढ़ा रही हो तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड में मूव करेगा। तो इस केस में एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या करती है, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन दी टेम्परेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको ध्यान देना है। दूसरा तरीका रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, वैसे रिएक्शन जहाँ पे आपका क्या है, जो रिएक्शन हो रहा है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिल रहे हैं आपस में तो वो क्या कर रहे हैं, हीट लिबरेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे समझ सकते हो रिएक्टेंट है, जब ये मिल रहे हैं तो ये सॉल्यूशन तो बना रहे हैं, प्लस इसके साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, हीट भी निकाल रहे हैं। ठीक है, इस केस में डेल्टा एच आपकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव आती है, हीट निकल रही है, ठीक है, लूज हो रही है। तो इस केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपका सॉल्युबिलिटी जो होता है सॉल्यूशन का, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो क्या क्या आपको ध्यान देना है कि जब आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी तो इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर यही एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहाँ से हीट निकल रही, तो अगर आप हीट यहाँ पे सप्लाई करोगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड मूव करेगा, जिसके वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो मेन आपको याद रखना है कि एंडो में इंक्रीज करता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पे होता है, जहाँ पे हीट निकलती है, वहाँ पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ये तो हो गए आपके तीन फैक्टर। एक और आपका फैक्टर है जो है डी, प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर यहाँ पे लिखेंगे हम, इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज देयर इज नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है प्रेशर का। ठीक है, तो ये इतनी कहानी थी जो आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में पता होना चाहिए, और आप इसको नोट भी करते जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्त के साथ जरूर इसे शेयर करना। सो यस, अब हम पढ़ेंगे कि गैस, अगर सॉल्यूट आपका जब अगर गैसेस स्टेट में होगा तो उसके कौन कौन से फैक्टर हैं वो जो डिपेंड करेंगे। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड तो सेम, ठीक है, कि कितना अमाउंट ऑफ आपका गैसेस सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज वॉट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस सॉल्यूट इन लिक्विड मीन्स। बट द फैक्टर जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, वो पहला फैक्टर जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्योंकि आपने देखा होगा। चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि आपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत पिया होगा। ठीक है, आप क्या देखते हो, जैसे आप
खोलते हो, ठीक है, उसमें से क्या गैस निकलती है। गैस क्यों निकलती है? क्योंकि जो आपका वहाँ पे गैस पंप किया जाता है वो बहुत ही हाई प्रेशर पे उसको घुसाया जाता है, गैस को अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है कि गैस आपके लिक्विड में कितना सॉल्युबल होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो वो यहाँ पे है प्रेशर। मेनली आपके प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो यही मैंने लिखा, इट डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। तो गैसेस सॉल्यूट प्लस लिक्विड बनाएगा आपका क्या, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो इसका गैसेस का यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं वो यहाँ पे गवर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पॉइंट मिल रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर पी, प्रेशर पी जैसे ही इंक्रीज करते हो, द नंबर ऑफ मोल्स, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस सॉल्यूट है वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास कंटेनर है, ठीक है, लिक्विड यहाँ पे फिल किया, अभी यहाँ पे प्रेशर से अगर आप क्या करते हो, गैस को फिल करते हो, तो जैसे ही प्रेशर अप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ जो आपके मोल्स ऑफ द सॉल्यूट है वो इंक्रीज करेंगे, ठीक है। प्रेशर अप्लाई करते जाओगे वैसे ही क्या होगा, और आप क्या कर सकते हो, गैस को कर सकते हो, क्योंकि गैस की कोई फिक्स्ड आपकी वॉल्यूम नहीं होती है, ठीक है। तो उसको जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वैसे वो क्या है, उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। इसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, इससे क्या रिजल्ट मिला कि मोल फ्रैक्शन जो है, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेस सॉल्यूट जैसे जैसे इंक्रीज होता है, वैसे कब इंक्रीज होगा, जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे। तो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेस सॉल्यूट आल्सो गेट्स अपॉन इंक्रीजेस, ठीक है, वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इसी से रिलेटेड आपके पास क्या है, एक लॉ है जिसको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज हेनरी लॉ, ठीक है। हेनरी एक साइंटिस्ट थे, एक केमिस्ट थे, जिन्होंने इसको क्या है, डिटेल एनालिसिस करके उसका केमिस्ट्री यहाँ पे समझाया था, ठीक है। तो कॉमन एग्जांपल मैंने आपको किससे बताया, आपको बताया वहां से, फिर आपने स्कूबा डाइवर्स वगैरह को, ठीक है, पहाड़ पे चढ़ते हैं, वो भी क्या अपने पीछे सिलेंडर रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, वो आपके इसी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस से रिलेटेड है। सबसे कॉमन एग्जांपल वही आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जिसमें गैस इंसर्ट होता है। और एक और बात, अगर आपने जैसे अगर आपने बॉटल दिया खा होगा, तो बॉटल को जब आप बहुत ज़्यादा हिलाते हो, हिला के फिर उसके बाद जब कैप खोलते हो, तो आप देखते हो कि एक एक्सप्लोसिव नेचर आता है, ठीक है। तो वो गैस क्या होता है, एक्साइट हो जाती है, और जैसे आप द मोमेंट आप कैप खोलते हो, वो क्या है, वो फुल प्रेशर से क्या होता है, और तेजी से बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान है, तो हेनरी ने ऐसा क्या कहा था, देखो हेनरी ने कुछ खास नहीं कहा था, कहने का मतलब ये वही बात बताया था जो अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। व्हाट ही सेड, द मास ऑफ द गैस, द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड, द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। यही बात तो अभी हमने ऊपर की कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो मास जो होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा गैस का, ठीक है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी मास बढ़ेगा जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे। अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने क्या किया, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, इस केएच को हम कहते हैं हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। ये एक तरीका का इक्वेशन है जो आपको यहां पे ध्यान देना है, ठीक है। ये भी एक टाइप का इक्वेशन है, पर जो मेन आपको यहां पे ध्यान देना है वो सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या कहता है, हम ये भी तो कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर, ठीक है। ये आपका क्या है, ज्यादा यूज होने वाला आपका जो इक्वेशन है हेनरी का, वो यहां पे क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मोल फ्रैक्शन क्या से निकालते हो, एक्स या जीटा जैसे कहते हो वो रिप्रेजेंट करते हो। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ रहा है, क्या आया, के डैश, ठीक है, के डैश पी आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस के डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी को यहीं रहने दिया, इसको हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये वन अपॉन के डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको एक्स समझना, कटा हुआ नहीं है, ठीक है, ये एक्स है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स आ गया, तो ये वन अपॉन के डैश जो कांस्टेंट था उसी को हेनरी ने अपना नाम दिया, दैट इज वन अपॉन के डैश यहाँ पे जो निकलेगा इस इक्वेशन में वो आपका क्या है, हेनरी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये कहानी थी, ये इक्वेशन आपको ध्यान देना है, दैट इज पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ठीक है, बहुत जगह ये यूज होने वाला है। तो ये कहानी थी हेनरी की। तो अब देखते हैं कि जो हेनरी का कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये पहला फैक्टर है प्रेशर के अंदर, ये हेनरी का कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान भी देना है, क्योंकि वन मार्क्स में या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा क्या है, हम यहाँ पे एक ग्राफ भी छोटा सा प्लॉट कर सकते हैं। देखो ग्राफ क्या है प्लॉट करने का, यहाँ पे प्रेशर और जो आपका यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में हम यहाँ पे ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। प्रेशर यहाँ पे देखो, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन कैसा रिलेशन है दोनों के बीच में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कैसा ग्राफ हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या होता है, सीधा
स्ट्रेट लाइन प्रेशर बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये आपका एक छोटा सा ग्राफ भी है जिसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। सो ठीक है, अभी आपने समझा हेनरी लॉ क्या होता है, उसका ग्राफ भी हमने देख लिया, ठीक है। जो सेकंड फैक्टर है वो टेम्परेचर का है, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा, ऑब्वियसली बात है। जैसे अभी ये आपका सोल्यूशन है, यहाँ पे आपने हीट दिया, ठीक है। अब क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, स्टार्ट होगा सोल्यूशन, यानी कि जो आपका पानी है सॉल्वेंट है उसके पार्टिकल्स भी एक्साइट होंगे। अब वो भी ऊपर निकल रहे हैं और ऊपर से गैस भी इंसर्ट कर रहे हो, तो एक निकल भी रहा है, अंदर घुसना मुश्किल होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस होगी, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, यहाँ पे एक फैक्टर आपको ध्यान देना होगा कि अगर हम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और कॉन्स्टेंट प्रेशर रखते हैं तो जो आपका कंसेंट्रेशन होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी का। यानी हद से ज़्यादा अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कंसंट्रेशन जैसे आपने बढ़ाया वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी। तो ये आपके तीन फैक्टर्स है आपके सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस से सॉल्यूट इन द लिक्विड के ऊपर, ठीक है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं लिमिटेशंस और एप्लीकेशन का, हेनरी लॉ का जो आपको पता होना चाहिए, चलिए उसको देखते हैं, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो है लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के क्या लिमिटेशन थे, ठीक है। तो पहला लिमिटेशन ये था कि ये क्या है, जो हेनरी का लॉ जो वैलिड था फॉर आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस के लिए वैलिड था, ठीक है। आइडियल गैस का वैलिड का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आइडियल गैस के लिए जो कंडीशन होना चाहिए, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात, जो कंडीशन वो होनी चाहिए क्या, प्रेशर, प्रेशर जो आपका होना चाहिए वो कम होगा। प्रेशर अगर लो होगा तो हेनरी लॉ बहुत ही अच्छे से काम करेगा। और क्या होना चाहिए, टेम्परेचर आपका, यानी कि टेम्परेचर टी क्या होना चाहिए, वो यहाँ पे हाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये था कहानी किसके, लिमिटेशन कि अगर प्रेशर हाई हो गया तो ये लॉ फॉलो नहीं करेगा, टेम्परेचर लो हो गया तब ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा जो लिमिटेशन है इसका जो आपको ध्यान देना है वो क्या है कि जो आपका गैसेस सल्यूट है वो किसी भी तरह से केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि गैसेस सल्यूट, या फिर कह सकते हो, हाँ यही लिख सकते हैं हम, कि गैसेस सल्यूट जो है, सल्यूट पार्टिकल्स है, वो कोई कंबाइन नहीं करना चाहिए, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन में नहीं करना चाहिए, ठीक है। Does not participate or combine chemically या किसी तरह के chemical reaction में involve होना चाहिए with solvent, ठीक है। आज जैसे कि आपने गैस फिल किया, ठीक है, आप डाल रहे हो गैस और वो क्या है, वो रिएक्शन कर जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पैसिव नेचर होना चाहिए आपके गैसेस सॉल्यूट का, यानी कि वो रिएक्शन कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपके क्या हो गए, लिमिटेशंस हो गए। इसके कुछ एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं, वाइड एप्लीकेशन हेनरी लॉ का जो था उसका, जो कह सकते हो कि पॉपुलर होने का कारण ये था कि वो बहुत ही अच्छे से हेनरी ने इसको समझाया भी था और एप्लीकेशंस भी बताए थे। तो एप्लीकेशंस क्या हैं जिनको आपको ध्यान देना है, तो एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन जो है वो आपका वही है, बिवरेज इंडस्ट्रीज, जो आपके बिवरेज यानी कि जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसमें इसका बहुत ही वाइटल रोल है, ठीक है। जो बिवरेज इंडस्ट्री है वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड जो आपके ड्रिंक्स बनते हैं उनके लिए यहाँ पे यूज़ है, ठीक है। वही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का इंसर्शन, ये CO2 इन कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स में आपने देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया और ड्रिंक्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, गैस को क्या किया जाता है, पंप इन करना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है इन द स्कूबा डाइवर्स, ठीक है, इन डीप सी, ठीक है, डीप सी डाइविंग जो होती है, ठीक है, सी में जो डाइव करते हैं डाइवर्स जो होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इसका बहुत यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इसको हम कहते हैं स्कूबा डाइवर्स, ठीक है। स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो अपने बैक पे आपने देखा होगा सिलेंडर कैरी करते हैं, ठीक है, तो वो प्योर आपका ऑक्सीजन नहीं होता है, वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे गैसेस मिक्स करके बनी रहती है। जो आपका सिलेंडर फिल होता है वो किस किस गैसेस से बना होता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो जो यहाँ पे गैसेस होती है, एक तो होती है हीलियम, दूसरा होता है नाइट्रोजन और प्लस क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। ये तीनों गैसेस मिला के फिल की जाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर बस ऑक्सीजन रहेगा तो वहाँ पे एक इश्यू क्रिएट हो जाता है जिसे हम कहते हैं बेंड, ठीक है, बेंड होने लगता है, ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, अभी हमने सीखा ना, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे क्या होता है, उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है, सॉल्युबिलिटी को अवॉइड करने के लिए जो आपका यहाँ पे सिलेंडर होता है वो क्या होता है, फिल्ड होता है हीलियम और नाइट्रोजन से, ठीक है, और फिर आपका ये ऑक्सीजन होता है, तो इससे ये जो बेंड होने वाली जो दिक्कत है
जो फेस करते हैं स्कूबा डाइवर्स डीप अंडर द सी, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है यहाँ पे, कम कर दी जाती है. हीलियम हैज द मस्ट सॉलिबिलिटी, जो हीलियम होता है इट हैज लोअर सॉलिबिलिटी, जो हीलियम गैस है वो क्या होता है, लोअर सॉल्युबल होता है. ठीक है, तो ये इस प्रॉब्लम से आपको क्या करता है, जो बेंड की इशू है, बेंड इशू जो है इसको क्या करता है, कम कर देता है. ठीक है, जो बहुत ही दिक्कत वाला सिचुएशन आ जाता है तो उसको यहाँ पे ये क्या करता है, रिड्यूस करता है. ठीक है, अब तीसरा जो आपको याद रखना है वो क्या है, फंक्शनिंग ऑफ लंग. ठीक है, तीसरा जो फैक्टर आप यहाँ पे देख सकते हो, तीसरा आ जाएगा. हाँ, वो जो तीसरा जो फैक्टर है, जो एप्लीकेशन है, वो क्या है, फंक्शनिंग ऑफ लंग्स. ठीक है, जो आपका बॉडी का फंक्शनिंग होता है. ठीक है, आप एयर ब्रीथ करते हो, फिर उसके बाद क्या होता है. ठीक है, तो वहां पे भी यूज होता है. और दूसरा जो फोर्थ है वो ये है आपका हाई एल्टीट्यूड पे. ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे जैसे आप मूव करते हो, यानी पहाड़ वाली जगह पे, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन जो आपके एटमॉस्फेयर में होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले लोग या फिर जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो दूर दूर जाते हैं पहाड़ों का क्या कहते हो एक्सपेंडिचर करते हैं. ठीक है, तो क्लाइंबर्स वगैरह के लिए क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, O2 का जो लेवल होता है वो डिक्रीज करता है. क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. ठीक है, तो वहां पे एक तरह का बीमारी होने का हो सकती है, डिजीज हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम आपको याद रखना होगा, एनोक्सिया. ठीक है, एनोक्सिया नाम की बीमारी है जो वहां पे हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, इससे भी क्या होती है, बहुत लोगों की डेथ हो जाती है. तो इसीलिए वहां पे क्या है, जो क्लाइंबिंग करने के लिए जाते हैं वो अपने साथ एक सिलेंडर कैरी करते हैं इफ दे आर गोइंग अबोव सर्टन लेवल. ठीक है, हाइट पे जाते हैं, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं, तो उनके पास वो सिलेंडर रहता था. तो ये सारी कहानी आपकी किससे रिलेटेड है, हेनरी लॉ और सॉलिबिलिटी ऑफ गैस. तो याद रखना है, जब भी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस की बात हो लिक्विड में, तो हेनरी लॉ जरूर याद होना चाहिए, उसके इंपॉर्टेंस पता होने चाहिए, लिमिटेशन पता होना चाहिए, ग्राफ जो मैंने बताया वो पता होना चाहिए, और यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है वो जरूर आपको पता होना चाहिए. तो ये कहानी थी आज की टॉपिक की. आई होप आपने सब कुछ बहुत अच्छे से समझा होगा, और अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मुझे जरूर बताएं, मुझे कमेंट करके जरूर पूछें. एंड बाय द वे, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट द रेड फैट बटन, सब्सक्राइब बटन को हिट करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा.